14 अगस्त भारत की सबसे बुरी पराजय का दिन है। आज अखंड भारत का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हाथ से छिना। एक कहावत है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है और इतिहास को न समझने वाले इसे दोहराता देखने के लिए अभिशप्त होते हैं। अतः आवश्यक है कि हम समझें कि अखंड भारत क्या है। कभी आपने ध्यान किया, आर्य समाजी, सनातनी, सारे विश्व में हम लोग संकल्प लेते हैं। आर्य समाजी इसका कुछ भिन्न स्वरूप प्रयोग करते हैं, सनातनी दूसरे ढंग से कहते हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीयरात् परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतितमे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तायक देशे पुण्य प्रदेशे। ये शब्द हैं। कभी ध्यान में आया हमारे कि ये जम्बूद्वीप है क्या, भारतवर्ष है क्या, भरतखंड है क्या, आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्त क्या है? बंधुओं, जम्बूद्वीप पूरी पृथ्वी का नाम है, भारतवर्ष पूरा यूरेशिया है, भरतखंड एशिया है, आर्यावर्त वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, और आर्यावर्त के अंतर्गत ब्रह्मावर्त, इसका न्यूक्लियस, इसका हृदय पृथ्वी का, ये भारत है। ये जो परिभाषा दी सावरकर जी ने, आसिंधु सिंधु पर्यंता, ये वर्तमान भारत की परिभाषा है, मूल भारत की परिभाषा नहीं है। मगर ये कहने से तो बात बनेगी नहीं, मेरे कह देने भर से तो ना कोई मानेगा ना सत्य होगा। वस्तुतः जम्बूद्वीप सारी पृथ्वी षड दर्शन का जो धर्म है इसे मानने वाली थी, और इस ज्ञान का केंद्र ब्रह्मावर्त यानी वर्तमान भारत था। काल का प्रवाह के आज से 5000 वर्ष से कुछ अधिक पूर्व ज्ञान और संस्कृति के इस केंद्र भारत में भयानक युद्ध हुआ, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। ज्ञान ज्योति ऋषिवर्ग पराक्रमी राजा काल कवलित हुए, सारी व्यवस्थाएं सारी भित्तियां ढेर हो गईं। ब्राह्मणों, आचार्यों, ज्ञानियों का केंद्र से यानी भारत से, वर्तमान भारत से पृथ्वी का प्रवास रुक गया। चारों ओर धर्म की ध्वजा फहराने वाले लोग भ्रष्ट होकर वृषल हो गए, मत मतांतर फैल गए, टूट बिखर कर बचे केवल ब्रह्मावर्त का नाम भारत रह गया। कृपया सोचिए कि यूरोप, संपूर्ण यूरोप में, रशिया में, एशिया में भग्न मंदिर, यज्ञशालाएं मिलती हैं, ये किसकी हैं? इतिहास को बहुत नष्ट किया गया है। ईसाइयत और इस्लाम का एक स्वभाव है कि वो अपने से पहले, जहां वो पहुंचता है तो अपने से पहले सारे इतिहास को नष्ट करता है, खुरचता है, पूछता है। कारण उसका है, डर ये रहता है कि कोई हमारी पंगत में बैठा हुआ व्यक्ति उठकर वापस अपनी पुरानी पंगत में न चला जाए, इसलिए इन्होंने नष्ट किया। इसलिए हमें बिटवीन द लाइन देखना पड़ेगा। कभी नेट पे यजदी YAZIDI डालिए, सर्च कीजिए, आपको इराक और सीरिया के बॉर्डर पे रहने वाली मोर की पूजा करने वाली जाति के बचे खुचे लोगों का पता लगेगा। अभी आईसिस ने जिन लोगों की हत्याएं की, जिनको मारा, और ये सदियों से कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। काफिरिस्तान KAFIRSTAN काफिरिस्तान डालिए, आपको मालूम पड़ेगा ये अफगानिस्तान का एक इलाका है जहां 1895 में इनको मुसलमान बना के इस क्षेत्र का नाम नूरिस्तान रख दिया गया। कलश इन पाकिस्तान KALASH आज भी ये हैं। ये चित्राल जनपद में रहते हैं, बहुत सुंदर, बड़े स्मार्ट, बड़े प्यारे लोग। ये दरद मूल के लोग हैं और इसी मूल के लोग ब्रिटिश की रॉयल्टी के लोग हैं, वो ड्राउड कहते हैं अपने आप को। इनकी चर्चा महाभारत मनुस्मृति पाणिनि के अष्टाध्यायी में है। आप महाभारत खोलिए,
महाभारत में भीष्म पर्व, जंबू खंड विनिर्माण पर्व में इसका उल्लेख है कि जब सेनाएं सामने सन्नद्ध हो गई हैं, युद्ध की तैयारी हो रही है, सब सामने आ गए हैं, तो कौरवों की सेना में वाम पक्ष में कृपाचार्य के नेतृत्व में शक, हूण, कुषाण, वाल्मीक ये योद्धा हैं। आपके लिए एक अजीब सी बात होगी, हूणों के लिए आपको लगता होगा ये बाहर के हैं और मंगोलिया के हैं, फलाने हैं। महाभारत के युद्ध में क्या कर रहे थे हूण, कुषाण, शक? भारत जिसे आप आज समझते हैं ये मूल भारत नहीं है, ये बहुत सिमटा सिकुड़ा भारत है। मैं आपको कुछ कौरव सेना के वाम भाग में शक, पल्लव, यवन, यवन सुन के आश्चर्य मत कीजिएगा, इनका जिक्र महाभारत में बहुत जगह पर है। फिर एक बात सामने की है कि महाभारत तो चचेरे तहरे भाइयों की लड़ाई थी, इसमें ये क्या करने आए थे, क्यों आए थे? वास्तविकता ये है कि सारी ये सब संबंधी हैं और सारे के सारे इस युद्ध में भाग लेने के लिए एकत्र हुए थे। महाभारत में यवन नरेशों के, यवन सेनाओं के दसों वर्णन हैं। आवाज़ थोड़ा बढ़ सकती है क्या? कोई सज्जन कह रहे हैं कि आवाज़ कम है, क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं किसी तरह से? पूरी है मित्र, मगर रावल जी मैं इससे अधिक कर नहीं पाऊंगा। पौराणिक इतिहास, हमारे पुराणों के इतिहास के अनुसार इला के वंशज एल कहलाए और उन्होंने यवन क्षेत्र पर राज किया। मत मानिए, चलिए, जिसे हम आज ग्रीस कहते हैं, दुनिया ग्रीस कहती है, वो खुद भी खुद आपको अपने आप को ग्रीस नहीं कहते, वो स्वयं को हेलें एला या एलों कहते हैं। आज भी उनका जो जो नाम है वो हेलेनिक रिपब्लिक है। होमर ने अपने महाकाव्य इलियड में ने हेलें या हेलन कहा है, और पास के जो ईरानी क्षेत्र पारसिक एरिया उसको यवोंस कहा है। इसका संदर्भ है निकोलस आस्टर, एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड, हार्पर, लंदन 2006 में छपी है, पेज नंबर 231 पर है। होमर ईसा से पहली शताब्दी यानी BC के लेख कवि हैं, उनका साक्ष्य प्रमाणिक है, ये उस काल को देख रहे हैं। सम्राट अशोक का जो शिलालेख संख्या 8 है, जो अफगानिस्तान के कंधार के पास में जलालाबाद से मिला है, उसमें यावनी भाषा और आर्माइक लिपि का प्रयोग हुआ है। उस शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक की प्रजा यवन थे, और यवन देवी देवताओं और वैदिक देवी देवताओं बहुत साम्य है। सम्राट अशोक के राज्य की सीमाएं वर्तमान भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईस्ट ईरान, ग्रीस तक थी। संदर्भ भारतीय इतिहास कोश, पृष्ठ 26 से 28 तक, सच्चिदानंद भट्टाचार्य का। अशोक के बाद सम्राट कनिष्क के लेख अफगानिस्तान में मिलते हैं, जिनका साम्राज्य गंधार से तुर्किस्तान तक था और जिसकी राजधानी पेशावर थी। सम्राट कनिष्क के शिव, विष्णु, बुद्ध के साथ जरसूस्र और यवन देवी देवताओं के सिक्के भी मिलते हैं। संदर्भ नोट कीजिए, पृष्ठ संख्या 26 से 28, बृहत्तर भारत, राजधानी ग्रंथागार से छपा है, चंद्रगुप्त वेदालंकार का दूसरा संस्करण 1969 का। एक और ग्रंथ आपको ध्यान होगा, कई बार लोग कहते हैं कि हम बाहर कब निकले, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, ये सिरे से गलत बात है, बेपढ़े लिखे आदमी की बात है। हमारे चक्रवर्ती सम्राटों ने सारे विश्व पर राज किया है, हमारी सीनाएं काबुल तक नहीं जाएंगी, इसका क्या मतलब है? ज्योतिष ग्रंथ ज्योतिर्विधावरण ईसा पूर्व 24 का है, उसमें उल्लेख है कि विक्रमादित्य परम पराक्रमी, दानी और विशाल सेनापति, सेना के सेनापति थे, जिन्होंने रूम देश के शकाधिपति को जीत कर उनके द्वारा विक्रमादित्य की अधीनता स्वीकार करने के बाद उन्हें छोड़ दिया। संदर्भ पृष्ठ 8, डॉक्टर भगवती लाल पुरोहित, आदि विक्रमादित्य, स्वराज संस्थान 2008। केवल 500 वर्ष पुराना इतिहास बता रहा हूं। 1492 में चीन और भारत की खोज के लिए निकले कोलंबस के पास गाइड करने के लिए मार्को पोलो के संस्मरण थे, उसमें उसकी क्वीन और किंग इजाबेला फर्नांडिस के लेटर हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, महान कुबलई खान सहित भारत के सभी राजाओं लौट के लिए। संदर्भ
पृष्ठ संख्या 332 से 334, जॉन मैन, कुबलई खान द किंग हु रीमेड चाइना, अध्याय 15, इबेंटम लंदन से 2006 में छपी है। 15वीं शताब्दी के यूरोप के सारे ही लगभग नक्शों में चीन को भारत का अंग दिखाया गया है। आप जिसे चीन और मंगोलिया कहते हैं वो उनके लिए एक था। कारण है उसका, यह सांस्कृतिक एकता है। क्षत्रियों का स्वभाव है कि वो दूसरे के राज्य को हस्तगत करने के लिए आक्रमण करेंगे, मगर इसके कारण से सांस्कृतिकता अलग नहीं हो जाती, ये हमको समझना चाहिए। 9वीं शताब्दी में इतिहासकार तबरी, उसने लिखा है कि भारतीय नरेश के फिलिस्तीन पर हमलों का वर्णन करता है। वो लिखता है कि बसरा के शासक को सदैव तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि इधर का सैन्य कभी भी आ जाता है, कभी भी चढ़ बैठता है। तो ये जो हमने काबुल की, हमने हमेशा से ये किया है, कोई नई बात नहीं है। हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, हमारा ये काम है। मगर ये बिगड़ा कैसे? महाभारत से ध्वस्त हुआ, मगर खराब कैसे हुआ, ये जानने का, और किस किस ने खराब किया ये भी जानना जरूरी है। आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अरब में एक पुजारी परिवार में मोहम्मद का जन्म हुआ और उसने अपना दर्शन फैलाया। तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये पांच उसके, मैं इस विषय पर कई बार बोल चुका हूँ इसलिए आज विस्तार में नहीं जाता। एक जीवन शैली, एक जीवन प्रणाली उसने दी। मानव स्वभाव से ही उद्दंड है। आप कभी भी देखिए स्कूल जाते हुए बच्चों को, जो तगड़ा बच्चा होता है रिक्शा में बैठा, वो दूसरे बच्चे के बाल खींचेगा, नोचेगा, दुखी करेगा, घर में कुत्ते की पूंछ खींचेगा, कभी कीड़ों को मारेगा। ये स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव है। बलि ताकतवर दूसरे को तंग करता है, इसके लिए एक सुदृढ़ न्याय दंड व्यवस्था चाहिए होती है। घर में माता पिता इसको व्यवस्थित करते हैं, स्कूल में शिक्षक व्यवस्थित करते हैं, और समाज में पुलिस इत्यादि, और उसके बाद लगातार ये करने का परिणाम होता है कि हम एक व्यवस्थित जीवन जीना सीखते हैं। हम लोग इस बात को समझ पाते हैं, कर पाते हैं कि अगर ये उद्दंडता चलेगी, हम रातों दिन यही करेंगे, तो हम अकेले पहलवान तो है नहीं, हमसे ताकतवर भी होगा, उससे ताकतवर भी होगा। ऐसा करते रहने का परिणाम ये होगा कि संपूर्ण राष्ट्र में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, मोहल्ले में, पड़ोस में जीवन जीना दूभर हो जाएगा। इसी की दंड व्यवस्था आर्ष राजाओं की, आर्य राजाओं का कार्य था, वो नष्ट हो गया। और हुआ कैसे? इसने तो बाहर से आक्रमण किया, मगर अंदर की बीमारी, अंदर से भी समस्या थी। भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ, बुद्ध ने आंतरिक जीवन की, अंतर की व्यवस्थाएं दी। उसका हिस्सा साधना, ध्यान, धारणा, अहिंसा, ये सब कुछ था। ये सारे व्यक्तिगत गुण हैं। मैं निजी जीवन में अहिंसक हो सकता हूं, किंतु राजा तो नहीं हो सकता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर ये सोचेगा तो राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? हमने उसमें गड़बड़ियां की और उसका नतीजा ये निकला कि इस दर्शन को रोकने वाला कोई नहीं रहा। बुरी तरह से हर चीज खराब हुई। मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं। बृहत्तर भारत का पेज नंबर 173, 174, 167, 170, 172। सातवीं शताब्दी के मध्य में तुर्क सिख मुसलमानों की सेना ने बल्ख पर आक्रमण कर दिया। वहां के प्रमुख नौबहार मंदिर को, जिसमें वैदिक यज्ञ होते थे, को मस्जिद में बदल दिया। यहाँ के पुजारियों को बर्मा का, उन्होंने अपभ्रंश लिखा है, वैसे ब्राह्मण कहा जाता था, इन्हें मुसलमान बनाया और बगदाद ले गए। वहां के खलीफा ने इनसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र, साहित्य, ज्योतिष, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि का अनुवाद करने को कहा। इसी क्रम में अहम ब्रह्मास्मि से अनलहक आया, भारतीय अंकों से हिंद से बने, जिसे बाद में यूरोप के लोग अरब से आया मानकर अरेबिक कहने लगे। पंचतंत्र के कर्कट दमनक से कलीला दमना बना। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टीयम का अनुवाद अरजबंद या अरजबाहर से नाम से हुआ। एक और संदर्भ, पृष्ठ संख्या 80-90, अरब और भारत संबंध, रामचंद्र वर्मा, काशी से 1954 में छपी किताब है।
नवीं शताब्दी में महान श्रमण साम्राज्य बौद्ध था और संपूर्ण मध्य एशिया में फैला था कि राजवंश ने इस्लाम अपना लिया। संदर्भ पृष्ठ संख्या 14-15, द न्यू पर्नेल इन इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया, इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया आराम से मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। बगदाद, दमिश्क, पूरा सीरिया, इराक और तुर्की 11वीं शताब्दी तक बहुत गहरे बौद्ध प्रभाव में थे। इस्लाम ने उनकी स्मृतियाँ नोच पोंछ कर मिटाईं। फिर भी नवीं 11वीं शताब्दी के तुर्की भाषा के अनेक ग्रंथ मिले हैं जो बौद्ध ग्रंथ हैं। संदर्भ इसका पृष्ठ संख्या 302 से 311, बृहत्तर भारत राजधानी ग्रंथागार। सीरिया के हित्ती शासक, संभवतः ये क्षत्रिय से खत्री और खत्री से फिर खित्ती या खत्ती और फिर हित्ती बना है, ये सिक्के मिले हैं जिसमें भगवान शंकर, जगदम्बा दुर्गा और कार्तिकेय के चित्र वाले हैं। चीनी यात्री फाहियान चीन के दक्षिण पश्चिम और भारत के पश्चिमोत्तर कोने में तारीम घाटी के मैदानी भाग में खोतान में गया, 5वीं शताब्दी में गया है। उसने खोतान की समृद्धि का वर्णन करते हुए उसे भारतवर्ष के एक राज्य की तरह बताया है। वहां उसने जगन्नाथ जी की यात्रा की तरह रथ यात्रा के उत्सव का वर्णन किया है। संदर्भ पृष्ठ संख्या 5 तथा 51, चीनी यात्री फाहियान का विवरण, नेशनल बुक ट्रस्ट 1966। हमारी समस्या, हमारी राष्ट्र की परेशानी धर्मांतरण है। हम सैनिक विजय से नहीं हारे, जिस काल को भारत के इतिहास में आज मुस्लिम काल बताया जाता है, उसी काल में भारत के सबसे बड़े बड़े साम्राज्य हैं। वही काल है जब हम इंडोनेशिया तक फैले हैं, दक्षिण के सारे बड़े साम्राज्य उसी काल के हैं। ये दिल्ली की छोटी छोटी सल्तनतें थीं, इनको हम महान बताते हैं। कारण क्या है इसका? हम अपने सत्व से, यहाँ मुझे सर्वविद्या पॉल की बात याद आती है, उन्होंने कहा है कि हम भारतीय अपने सत्व से शर्मिंदा हैं, अपने अस्तित्व से शर्मिंदा हैं। हम खुद को नहीं रिकॉग्नाइज करते। सर्वविद्या पॉल, नाय पॉल, जो अभी 3 दिन पहले जिनका स्वर्गवास हुआ है, उनकी एक किताब है, इंडिया द वुंडेड सिविलाइजेशन, भारत एक आहत सभ्यता, बियॉन्ड बिलीफ। उसमें वो कहते हैं कि बाहरी दुनिया से निपटने की सबसे कम तैयारी हमारी है, इतनी आसानी से लूटपाट का शिकार कोई नहीं हुआ। मैं उनका एक संदर्भ पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इतिहास की पुस्तकों में युद्धों, विजयों और लूटपाट के वर्णनों में बौद्धिक क्षति का उल्लेख नहीं है। इस बौद्धिक क्षति का परिणाम है कि भारत के लोग अपने सत्व को नहीं समझते, अपने मूल को नहीं समझते। आप में से एक जापानी, बड़ी मशहूर फिल्म है, इंग्लिश में बनी है, द लास्ट समुराई। उसमें एक योद्धा है जो, जिसका काम राजा को रक्षण देना है, उसके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं और मंत्री इत्यादि मिलकर उसके खिलाफ एक्शन करा देते हैं, वो मारा जाता है लड़ाई में। और अंत में उसके बीच का एक आदमी जो गोरा था, जो उसकी सेना से लड़ा था, वो महाराज के पास, राजा के पास आता है। राजा को एकदम से चेतना आती है और वो उन सारी चीज़ों पर खाक डाल देता है जो ब्रिटिश लोगों के साथ समझौता होने वाला था, उससे इनकार कर देता है। और वहाँ वो दो वाक्य प्रयोग करता है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज क्या हैं, हमारा इतिहास क्या है। अब इस रोशनी में सर्वविद्यापाल को सुनिए। इतिहास की पुस्तकों में युद्धों, विजयों और लूटपाट के वर्णनों में बौद्धिक क्षति का उल्लेख नहीं है, बल्कि सुदूर अतीत में सभ्यता में अपना योगदान देने वाले देश के कुछ कम बौद्धिक जीवन का वर्णन है। भारतीय कहते हैं कि हम अपने विजेताओं को भी अपने में समाहित कर लेते हैं और अपने में मिला लेते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या 1000 वर्षों तक भारत हमेशा अपने विजेताओं के सामने घुटने नहीं टेकता रहा है? और क्या अपने से पीछे हटने की अवधि में भारत हमेशा खुद को फिर से पुरातन बौद्धिक रूप से छोटा और असंवेदनशील नहीं बनाता? इससे बड़ा संकट एक जख्मी प्राचीन सभ्यता का है, जो अंततः अपनी कमियों के बारे में जागरूक हो गया है और जिसे बौद्धिक माध्यमों के बिना ही आगे बढ़ना है। भारत का अस्तित्व बना रहेगा
सन 1961 में भारतीय उपन्यासकार आर के नारायण ने लंदन में मुझसे यही कहा था। यहां प्रश्न उठता है जो मुझे लगता है, भारत बचेगा मगर क्या वो हिंदू भारत होगा? एक बहुत इकबाल के मशहूर शेरों में है, यूनानो मिस्र नोमा समिट गए जहां से, एक शेर है उनका, सा क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये जो यूनान मिस्र रोमा है, यूनान तो आज भी है, मिस्र आज भी है, रोमा आज भी है, तो रोना किस बात का है? रोना इस बात का है कि यूनान की मूल संस्कृति, रोम की मूल संस्कृति, मिस्र की रोम मूल संस्कृति, जिसके कारण ये महान सभ्यताएं थी, वो नष्ट हो गए। ये खतरा हमारे ऊपर भी मंडरा रहा है। भारत की जड़ों से एक विदेश में गया हुआ, कोई 200 वर्ष 250 वर्ष पहले उनके पूर्वज यहाँ से चले गए होंगे मॉरिशस, वो आदमी इस बात को समझता है। विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को ढा दिया गया। भारत में जो राष्ट्रवादी दल कहते हैं, जो हिंदुवादी कहलाए जाते हैं, उन सारे दलों के लोगों को सांप सूंघ गया था। इतिहास की श्रेष्ठ करवट का यश लेने को कोई तैयार नहीं था, किसी ने नहीं कहा, सबके मुंह में दही जम गया था। एकमात्र किसी व्यक्ति ने सशर्त इसे स्वीकार था, तो वो थे बाल ठाकरे, जिन्होंने कहा था कि अगर इसका यश कोई नहीं लेता तो मैं ये कहकर इसका यश लेता हूं कि ये हमारे शिवसैनिकों ने किया। ये व्यक्ति था जिसने कहा कि विवादास्पद ढांचे का गिरना एक हिस्टोरिकल करेक्शन है। स्पेन की तरह भारत के लोगों को भी अपने ऐतिहासिक भूलों का परिमार्जन करना चाहिए। नतीजा, इस बात पर सर विद्या पॉल भारत में खराब ठहराए गए, उनके विरोधी खड़े हो गए। उनके लिए दिल्ली में एक बॉम्बे में कार्यक्रम था, कई सत्र थे बॉम्बे साहित्य परिषद का, उसमें गिरीश कर्नाड को फिल्म पर बोलना था। उसने इस विषय की जगह सर विद्या पॉल को निशाना बनाना शुरू कर दिया कि इनको बुला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इतने सारे लोग सुन रहे थे, इनमें से कोई भी एक नहीं खड़ा हुआ जिसने उठाकर जूता फेंक के मारा होता कि चांडाल बैठ, आखिर हम चाहते क्या हैं? राष्ट्र की स्थिति में बदलाव करने वाले, हम चाहते हैं कि इसमें बदलाव आए, मगर हमारा लक्ष्य क्या है? मैं एक घटना और आपके साथ शेयर करता हूं, यहीं की घटना है। तारिक फतेह साहब को अभी 2 वर्ष पहले बुलाया गया, ढाई वर्ष पहले बुलाया गया। उसके आयोजकों में एक मेरे मित्र शायर भी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुफैल भाई आप भी थोड़ा सा मदद कर दीजिए। तो मैंने फेसबुक के थ्रू, अपने मित्रों के थ्रू बातचीत की, और उस सभागार में कोई 60-70-80-100 लोग ऐसे थे जिन्हें मैं नाम से जानता था, जो मुझे नाम से जानते थे, एक अच्छी खासी भीड़, कोई 250-300 लोगों की भीड़। जो कार्यक्रम के आयोजक थे वो भी एक विचित्र आदमी थे। विषय दिया हुआ था, उन्होंने शुरुआत इससे की कि धर्म, कोई भी धर्म खराबी नहीं सिखाता, सब धर्म समान है, सब अच्छाई की तरफ ले जाते हैं, समाज में ही गड़बड़ होती है, नफरत नहीं फैलानी चाहिए, वगैरह वगैरह बात करके उन्होंने तारिक फतेह साहब को बुलाया। तारिक फतेह साहब ने, वो विषय तो गया भाड़ में, उन्होंने सीधे यहीं से बात करनी शुरू की और रगड़ना शुरू कर दिया। 1 घंटा 1.25 घंटा उन्होंने बिल्कुल खाल में घुस भर दिया और जो उनका विषय था उसको रखा। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में केवल एक व्यक्ति बाहर का था, एक शायर, हिंदू शायर, पुराना आईएएस, जावेद अख्तर की गोद में बैठ के कबाब पराठा खाने वाला इस हक का आदमी। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरू हुआ, वो खड़ा हो गया सवाल पूछने के लिए कि आप इसका क्या इलाज बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस देश के पास 18,000 टैंक हों, वो क्या 26 जनवरी के दिन सुबह को सल्यूट करने के लिए परेड में गड़गड़ गड़गड़ चलने के लिए हैं? इनका कोई उपयोग नहीं है। जिसके पास इतने टैंक हों, इतने प्लेन हों, वगैरह वगैरह वगैरह, जिसकी इतनी सेना हो, वो क्यों कुछ नहीं करता? 71 के युद्ध में उन्होंने कहा कि मैंने उस समय कहा था कि पाकिस्तान की सेना से सेरेमोनियल 2-4 प्लेन रहने दो, 2-4 टैंक रहने दो, उसके सारे बड़े हथियार छीन लो,
ऑफिसर्स के पास पिस्टल रिवॉल्वर छोड़ो, बाकी सब छीन लो, इसकी युद्ध करने की सारी क्षमताएं नष्ट कर दो, अगर ये उस समय किया गया होता तो। आज जो हमारे ऊपर एटमी खतरा मंडरा रहा है, उन्होंने शब्द उपयोग किया हमारे ऊपर, वो भारत के नागरिक नहीं है, पाकिस्तान से वो कनाडा चले गए, वहां की सिटीजनशिप है, मगर वो अपनी जड़ों पर जो उनके कुछ पीढ़ी पहले राजपूत पूर्वज थे वो अपने आप को उनसे जोड़ते हैं, कहा हमारे ऊपर ही खतरा नहीं मंडरा होता। ये शख्स फिर बोला, हु आर यू टू से लाइक दैट? तारिक फतेह साहब ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो जिसे सुनने के लिए आप खड़े हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, मैं एकदम से झपटा उस पर, मैं आइल के इस तरफ था, वो उधर था, बीच में कोई 7-8-10 सीटें थी, बुरी तरह से चीखता हुआ और इस इंटेंशन से कि आज इसको कस के जुतियाना है कि ये सारा जेएनयू की बेहूदगियां अपने पास रख, यहां नहीं चलेगी। आश्चर्य की बात कि 300-400-250 लोग, सारे राष्ट्रवादी लोग, इनमें से 15-20 मेरे ऊपर झपटे, एकदम से भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब क्या कर रहे हैं, शांत करके, विषय शांत हो गया, वो भी चुप बैठ गया, मैं मेरा खून खौलता रहा मगर मैं शांत होकर बैठ गया, कार्यक्रम खत्म हुआ, सबसे पहले वो भाग गया। बाहर मैं निकला और लोग सामने थे, मैंने उनसे पूछा कि तुम चाहते क्या हो? कल्पना करो कि ये कार्यक्रम वामपंथियों का होता, सारे वामपंथी होते, उसमें से कोई एक राष्ट्रवादी बोलता, ये सारे इस्लामियों का कार्यक्रम होता, उसमें कोई राष्ट्रवादी बोलता, बिना मार खाए, कपड़े फड़वाए, हाथ हड्डी पसली टूटे बिना हमें से कोई आ पाता? हमारी सारी 30 मार खाएं केवल भाषण देने की है, हम क्या चाहते हैं? हम असहिष्णु बने, तेजस्वी हूं, प्रखर हूं, उद्धत हूं, इसके बिना इसका कोई विकल्प है? इतिहास के इस पहिए को उल्टा करने का कोई और चारा है? स्वयं सोचें। ये फेसबुक की शेयर, लाइक, पोस्ट लिखना, भाषण देना, बौद्धिक देना, कार्यक्रम करना, बैठक करना, इससे बदलाव आ सकेगा? कैसे होगा? एक आरएसएस के बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, एचवी शेषाद्री, उनकी किताब है और देश बट गया, द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, उसमें पूरी डिटेल से, बहुत अच्छी किताब है, इतिहास का पूरा जिक्र है, कैसे 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 किस किस तरह से भारत का इस्लामी नेतृत्व हावी हुआ, कैसे कैसे हिंदू नेतृत्व पीछे गया, कैसे कैसे देश का देश भंग हुआ, कैसे कैसे हम अपनी जड़ों से कटे। 14 अगस्त 1946, आप, ये वो दिन है जिस दिन हमारी सबसे बड़ी पराजय हुई, 50 लाख लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए, ये हुआ क्यों? कारण केवल ये था कि इसकी संतानें भ्रष्ट हो गई, हमारा समाज भ्रष्ट हुआ। कल्पना करें, पंजाब का सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे प्रभावी साम्राज्य, यानी राजा रणजीत सिंह, पाकिस्तान वाला पंजाब, भारत वाला पंजाब, और ये अफगानिस्तान के पेशावर से और ऊपर तक था, हिमाचल के जो पेप्सू स्टेट से नीचे का पूरा हिस्सा, हरियाणा, ये सब उसमें था। वो एक फाइन मॉर्निंग ये घोषणा करें कि 15 दिन में या महीने में या 10 दिन में मेरे राज्य से, और ध्यान रखें ये जो अकालियों ने शक्ल बना दी ना, ऐसा नहीं था, राजा रणजीत सिंह कोहिनूर हीरे को, जगन्नाथ मंदिर को चढ़ाना चाहते थे। उस काल में सिखों और हिंदुओं के विभाजन ऐसे नहीं थे जो इन कमबख्तों ने कर दिए हैं। वो घोषणा करें कि आज के 15 दिन के अंदर है, महीने के अंदर है, 10 दिन के अंदर मेरे राज्य से प्रत्येक मुसलमान या तो चला जाए या हिंदू बन जाए, अन्यथा मार देंगे। क्या 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता? निश्चित रूप से नहीं बनता। बना क्यों? कि हमारी संतानें भ्रष्ट हो गईं। एकमात्र हल इनका शुद्ध होना है, इनको वापस लाना है। और ये वापस आएंगे कैसे, शुद्ध होंगे कैसे? मेरी कई बार वरिष्ठ लोगों से भेंट होती है, हिंदुवादी दलों के अखिल भारतीय स्तर के अधिकारियों से बात होती है, वो कहते हैं कि मुसलमानों को वापस आ जाना चाहिए। कैसे आ जाना चाहिए? कि आपकी मर्जी से, एसी गाड़ी में चैन से बैठे हुए, एसी कमरे में बैठ के आप लोग कह रहे हैं हो जाए, होगा कैसे? इस्लामियों को इस्लाम का सत्य बताना, इसकी कोई व्यवस्था है?
इस्लाम को समझने की हमारे पास कोई व्यवस्था है? आर्य समाज के कुछ पुराने बूढ़े सीनियर्स को छोड़कर इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी है भी हमारी? दो चार शंकर शरण जैसे लोग, मुझ जैसे लोग और दो चार लोग होंगे, सुरेश शिपलूनकर हैं, आनंद राज्याध्यक्ष हैं, ऐसे तीन चार पांच सात लोग हैं। इसके अलावा इस्लाम क्या है किसी को मालूम है? कुरान पढ़ी है किसी ने? हदीसें पढ़ी हैं? इस्लाम क्या कर रहा है मालूम है? अखंड भारत नष्ट ऐसे हुआ है कि इसके भाग हमसे छीन लिए गए। इसके लिए पूरी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, इस्लाम को समझना पड़ेगा। और मुसलमान स्वयं इस्लाम को नहीं जानते, उनको ये लगता है कि मोहम्मद जो इस्लाम का प्रवर्तक है वो एक बहुत सभ्य बहुत शालीन शिष्ट व्यक्ति था। उनको नहीं मालूम कि 52 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष की लड़की से मोहम्मद ने शादी की थी जिसका नाम आयशा था। 9 वर्ष यानी 3 वर्ष बाद जब 9 वर्ष की हुई और ये 55 वर्ष का हुआ तो इन लोगों ने इसने मैरिज कंजूमेट की यानी उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। मुसलमान नहीं जानते। इस्लाम में मोहम्मद के किए हुए को निभाने को सुन्नत कहा जाता है, ये सब आपका काम माना जाता है। मुसलमान नहीं जानते, मुसलमान इस जीवन में विश्वास भी नहीं करते। 9 वर्ष की अपनी बेटी को 55 वर्ष के बूढ़े से निकाह में नहीं देते, मगर उन जानते भी नहीं, उन्हें बताएगा कौन? वो तो समझते हैं इस्लाम सबसे अच्छी चीज है, उन्हें पता ही नहीं है कि शुद्ध राजनीतिक व्यवस्था है, सारे संसार को मुसलमान बनाने के लिए कल्पना है, इसके सत्य को कौन बताएगा? इसके लिए एक बड़ा वर्ग खड़ा ही करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। 14 अगस्त जिससे हम नष्ट हुए, और एक बड़ी बात, एक श्रेष्ठ बात कहनी जरूरी है इस समय, जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा था ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन में, इसका पूरा वर्णन है कि कैसे कैसे पार्टीशन हुआ, कैसे कैसे वहां तक आए, पूरा वर्णन है। उस कार्य के लिए पूरी पीढ़ी जिम्मेदार है। हुआ यह था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, चूंकि वही दो राजनीतिक दल थे उस समय, उन्हीं की सत्ता में थे, तो माउंटबेटन ने जो वायसराय थे प्रस्ताव दिया था कि आप वर्किंग कमेटी से पास कराइए कि इसके पार्ट होने हैं, देश बटेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव गिर गया। गांधी ने फिर बहस की और सब लोगों को मौन कराया। कांग्रेस की वो पूरी पीढ़ी जिम्मेदार है, एक एक व्यक्ति, मगर आखिरी प्रहार, आखिरी कुल्हाड़ा भारत माता की भुजा काटने का आखिरी प्रहार गांधी ने किया था। उस किताब में इसका पूरा वर्णन है, मगर इसका कोई दंड होगा? न्याय में कोई इसकी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ लोगों ने तय किया कि इतिहास के सामने हम इसको अदंडित नहीं छोड़ेंगे। तो उन्हें मालूम था, पढ़े लिखे लोग थे, मालूम था कि नष्ट कर दिए जाएंगे, बचेंगे नहीं, परिवार नष्ट कर दिया जाएगा, समाज नफरत करेगा, हिंदू समाज का बहुसंख्यक वर्ग ऐसा ही है, नफरत करेगा। फिर भी उन्होंने तय किया, और आज का काल नहीं है, 1947 का काल है ये। बहुत तो उस काल को समझना, आज की जैसी विकसित स्थिति है, मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारियां, ये नहीं है। उस व्यक्ति ने वसीयत की थी, मेरे मरने के बाद, मेरे अंतिम संस्कार के बाद मेरी अस्थियां जिस दिन सिंधु नदी अखंड भारत में दोबारा प्रवाहित होने लगे तो उस दिन नदी में से लाना। यानी उस व्यक्ति ने ये किया, ये कल्पना की, विचार किया कि मैं अभिशप्त रहूंगा, प्रेत बनूंगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरा श्राद्ध नहीं होगा, मैं तब तक भटकूंगा जब तक कि भारत अखंड नहीं होगा। 14 अगस्त वो दिन है जिसका बदला लेने के लिए उसने गांधी का वध किया। ये उस व्यक्ति के पुण्य स्मृति को नमन करने का दिन है। 14 अगस्त को पाकिस्तान के नगरों में ढोल बजाकर हिंदू लड़कियों पर रेप करने के लिए नगर के लोगों को बुलाया गया। सैकड़ों लोगों ने एक एक लड़की को रेप किया। हमारी माताएं बहनें मर गईं वहां।
50 लाख लोग मारे गए, इतिहास से पूरा 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 पृष्ठ गायब कर दिया गया। हम इतने अपने सत्व से शर्मिंदा हैं कि सच नहीं बोलते। गिरीश कर्नाड जैसे दुष्टों का, हरामजादों का जीना हराम हमने नहीं किया, उसका परिणाम है। राष्ट्र अखंड होना है, सावरकर जी की एक गीत है, इस गीत को स्मरण कीजिएगा, स्वतंत्रते। उसमें वो कहते हैं, क्या सुंदर शब्द प्रयोग करता है वो व्यक्ति, सुजन पूजते सुभगे, सुजनों ने जिसकी पूजा की हो, श्रेष्ठ लोग जिसकी संतान हो, जिसकी पूजा करते हो, सुभगे जिसकी महान संतान है, जिसने उत्पन्न की हो, उसमें शब्द वो प्रयोग करते हैं, अधम रक्त रंजिते, अधमों के रक्त से रंजित, असहिष्णु होना, उद्धत होना, उग्र होना, तेजस्वी बनना, ये लक्ष्य है। अगर ये कर्तृत्व में नहीं उतरेगा तो भारत और टुकड़े होगा। 25 साल नहीं हुए हैं अभी कश्मीर से मुझे निकले, मैं मतलब हम हिंदू निकाल दिए गए बंगाल के बॉर्डर से, असम के बॉर्डरिंग एरिया से, बिहार के गांवों से हिंदू निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। बदलाव नहीं होने वाला बंधु। सैनिक बने बिना कोई इलाज नहीं, कोई उपाय नहीं है, और ये सेना का काम नहीं है। हम में से हर व्यक्ति को सैनिक बनना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो भारत बचेगा नहीं। ये दिन आंखों में आंसू लाने का नहीं है, अंगारे भरने का है। हम कटे हैं, हमने बहुत बड़ा हिसाब लेना है। इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। आज वो दिन है, संकल्प लीजिए कि अखंड भारत, वर्तमान 1947 का भारत जो था, 14 अगस्त 1947 का, वो हमें वापस चाहिए। पुराना भी हमें वापस चाहिए। सारे विश्व में धर्म ध्वजा फहरानी है, मगर इसके लिए एक आवश्यक काम है, शुद्धियाँ। जब तक अपने से, जिनके कारण पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, उनको वापस नहीं खींचेंगे, कुछ नहीं होगा। केवल एक छोटा सा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य। मैं दो व्यक्ति कम से कम, कैसे होगा ये स्वयं तय कीजिए, लोगों को, विधर्मियों को धर्म में वापस लाऊंगा, विधर्मियों की संख्या कम करूंगा, केवल ये अनिवार्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया तो बात नहीं बनने वाली। मेरी बात आपने सुनी, इसके लिए बड़ा आभारी हूं। जय हिंदू राष्ट्र।